नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कर्नाटक में कहा कि पूर्वोत्तर हो या चाहे यूपी, हर तरफ पीएम मोदी का जादू चल रहा है। इस दौरान उन्होंने त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड विधानसभा के चुनाव के नतीजों का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि गुरुवार को ही तीन राज्यों में कांग्रेस का सूफड़ा साफ हो गया। वह ऐसे हारे हैं कि दूरबीन लेकर भी दिखाई नहीं पड़ रहे। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। वे बिदर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अमित शाह ने कहा कि 2 मार्च को कर्नाटक से हजारों किलोमीटर दूर त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं। इन राज्यों में कांग्रेस बुरी तरह हारी है। नागालैंड में कांग्रेस 1 सीट भी नहीं जीत पाई। मेघालय में 3 सीटें और त्रिपुरा में सिर्फ 4 सीटें मिली हैं। बता दें कि त्रिपुरा में कांग्रेस को पिछले चुनाव के मुकाबले 5 सीटों का नुकसान हुआ था। 2018 में यहां कांग्रेस ने 8 सीटें जीती थी। मेघालय में कांग्रेस को 15 सीटों का नुकसान हुआ। वहीं ऐसे ही बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली थी। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।